d4datascience.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पांडास का जो डेटा फ्रेम होता है उसे CSV फाइल में कैसे सेव करना है। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ये सैम्पल आपकी डेटा फ्रेम है, तो इसका भी हमको CSV में सेव करना है। तो CSV में सेव करने के लिए पहले आप पाथ को कॉपी कर लीजिए, किस लोकेशन पे आपको उसको सेव करना है। तो मुझे इस लोकेशन पे सेव करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे डेटा फ्रेम टू CSV जो एक फंक्शन होता है उसको आप कॉल कर लीजिए। पांडस का ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो टू CSV लिखने के बाद यहाँ के इसके अंदर आप पाथ पास कर दीजिए जिस पाथ में आपको उसको सेव करना है, और उसके बाद फाइल का नाम दे दीजिए। ये डेटा फ्रेम आपको किस नाम से सेव करना है, तो मैं tutorial.csv से मुझे इसको सेव करना है, तो मैं वो नाम दे देता हूँ और इसको हिट एंटर कर दीजिए। तो अभी ये जो है ये डेटा फ्रेम हमारी सेव हो गई है। मैं आपको अभी खोल के बताता हूँ। पहले फोल्डर एम्प्टी था, अब उसके अंदर ये देखो, अभी ये देखो यहाँ पे ये डेटा आ गया है हमारा। तो इस तरीके से यूजिंग टू CSV फंक्शन हम डेटा फ्रेम को सेव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया आप उसे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।